अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जिनके कुछ ही मीटर समुद्र के ऊपर स्थित हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से समुद्र की ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई सारे शहर पानी में डूब जाने का खतरा है। दोस्तों, इतिहास में भी देखा गया है कि समुद्र के आसपास कई शहर सुनामी या बाढ़ के कारण कई शहरों को पानी में डूबा दिया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही तेजी से बढ़ता रहे तो 2100 वर्षों में दुनिया भर के कई बड़े शहरों को पानी में डूब जाने का खतरा है। तो चलिए आज थोड़ा नजर डालते हैं उन शहरों के ऊपर जो 2100 के अंदर समुद्र में डूबने के खतरा में हैं। नंबर 10, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम। हो ची मिन्ह सिटी जो पहले साइगोंग के नाम से मशहूर था, ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। एक 2018 की यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के मुताबिक हो ची मिन्ह सिटी दुनिया के 10 शहरों में से एक है जो 2025 तक समुद्र के लेवल के बढ़ने के खतरे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही बढ़ती रहे और कोई कदम न उठाया गया तो 2050 तक लगभग शहर के 40% इलाका समुद्र के 1 मीटर ऊपर पानी में डूबा हुआ होने के खतरा है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता रहे तो 2080 तक पूरा शहर पानी में डूबा हो सकता है। नंबर 9, लागोस नाइजीरिया। लागोस नाइजीरिया का एक सबसे बड़ा जनसंख्या वाला बड़ा शहर है। ये एक जजरिया पर बसा हुआ शहर है जो समुद्र के लेवल के बढ़ने का खतरा है। नाइजीरिया इस साइल शहर को ग्लोबल टेम्परेचर और समुद्र के लेवल के बढ़ने के कारण लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इस स्टेट के पानी के स्तर क्लाइमेट चेंज के परिणाम स्वरूप 3 से 9 फीट तक बढ़ सकती है। 2018 में नाइजीरिया के नेशनल काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बसिया में लगभग 60% एरिया को 2050 तक और 100% एरिया को पानी में डूबा होने के अनुमान लगाया है। नंबर 8, मुंबई इंडिया। मुंबई महाराष्ट्र के बड़े शहर और राज्य का राजधानी है और ये शहर समुद्र के लेवल से सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊंची है। इसके अलावा मुंबई के मेजोरिटी ऑफ 80% इमारत समुद्र के लेवल के नीचे है और समुद्र के लेवल में हर साल लगभग 1 इंच की तेजी से बढ़ती जा रही है। 2019 में नेशनल ग्राफिक्स ने एक रिपोर्ट में बताया है 2050 तक मुंबई का 50% एरिया समुद्र में डूबा हुआ हो सकता है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुंबई 21,000 तक पूरा पानी में डूब सकता है। नंबर 7, न्यू ऑरलियंस ऑस्ट्रेलिया। न्यू ऑरलियंस लुइसियाना के दक्षिण भाग में स्थित एक शहर है। ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइमेट चेंज समुद्र के लेवल को बढ़ता रहा है और न्यू ऑरलियंस शहर हर साल 2 इंच की गति से डूब रहा है। अगर समुद्र का लेवल ऐसे ही तेजी से बढ़ता रहे तो न्यू ऑरलियंस पानी में डूबा हुआ हो सकता है। 2016 नासा स्टडी के मुताबिक शहर को कुछ हिस्से पहले से ही समुद्र के लेवल 15 फीट नीचे है। नंबर 6, अम्स्टर्डम नेदरलैंड्स। अम्स्टर्डम नेदरलैंड्स की राजधानी है और ये दुनिया के सबसे नीचे स्थित राजधानियों में से एक है। सिर्फ 6.9 मीटर समुद्र के लेवल के ऊपर अम्स्टर्डम को जल शहर कहा जाता है, क्योंकि शहर का लगभग 60% एरिया पानी में डूबा हुआ है और इसके कई सड़क और घर नालियों पर बने हैं। शहर एक वेटलैंड पर बना हुआ है और प्राकृतिक रूप से बढ़ने का खतरा है। नंबर 5, कोलकाता इंडिया। कोलकाता वेस्ट बंगाल के राज्य का राजधानी है और ये एक बहुत ही पॉपुलेशन वाला शहर है जो समुद्र के लेवल के सिर्फ 10 मीटर ऊंची है। एक बड़े शहर होने के कारण कोलकाता समुद्र के लेवल बढ़ने और क्लाइमेट चेंज के खतरे में है। इसके बारे में कई स्टडी किए गए हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि 2050 तक दुनिया के 10 शहरों में से एक कोलकाता पानी में डूबा हुआ हो सकता है। नंबर 4, वेनिस इटली। वेनिस इटली में एक शहर है। ये 400 आइलैंड पर बना हुआ है जो वेनिसियन लोगों में है और इन आइलैंड को 400 पोल से जोड़ा गया है, इसलिए वेनिस का प्रमुख ट्रांसपोर्ट बोर्ड है। ये एक ऐसा शहर है जो समुद्र के लेवल के नीचे स्थित है और समुद्र के लेवल को बढ़ने के कारण डूबा होने के खतरा है। शहर हर साल 0.8 इंच की गति से डूब रहा है। अगर वर्तमान डर के अनुसार क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहे तो वेनिस को 2050 तक पूरा पानी में डूबा हुआ हो सकता है। इसलिए देश की सरकार ने शहर को बचाने के लिए $6.5 बिलियन की लागत में एक डैम बनाया है। नंबर 3, बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है जो चियाओ प्रया नदी के किनारे पर स्थित है। वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ने के कारण बैंकॉक पानी में डूबा हुआ होने की खतरे हैं। इंटरनेशनल मीडिया गुर्दियन के मुताबिक बैंकॉक शहर हर साल 1 इंच से ज्यादा गति से डूब रहा है। 2050 तक बैंकॉक समुद्र के लेवल के बढ़ने के कारण बहुत सारे एरिया पानी में डूब सकता है। नंबर 2, मियामी फ्लोरिडा। मियामी फ्लोरिडा के एक साइल शहर है। ये समुद्र के लेवल के कुछ फीट ऊपर बसा हुआ है। सामान्य समुद्र लेवल के बढ़ने
के खतरे में है। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र के लेवल में हर साल लगभग 1 mm की गति से बढ़ता रहा है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ती रहे तो 2050 तक मायमी 20% पानी में डूबा हुआ हो सकता है और 2070 तक लगभग 60% शहर पानी में डूबा हुआ हो सकता है। शायद ही पूरा शहर 2090 तक डूब जाएगा। इस समुद्र के लेवल के बढ़ने के नतीजे में शहर को अभी बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये जावा डेप नॉर्थ ईस्ट किनारे पर स्थित है और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। शहर में से एक है। शहर समुद्र के लेवल के 6 मीटर नीचे स्थित है और हर साल लगभग 6.7 इंच की गति से डूब रहा है। बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र के लेवल में ग्रोथ हो सकता है और शहर पूरा पानी में डूब सकता है। तो दोस्तों, ये था 10 शहर जो कि 2100 वर्ष तक पानी में डूबने के खतरे में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो।